इस समय सनी देओल जहां एक तरफ अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनको लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा सांसद सनी देओल का चूहू वाला बंगला नीलाम हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। 24 घंटे के भीतर ही बैंक को इस फैसले में तब्दीली करनी पड़ी। आइए चले जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और क्यों सनी देओल का बंगला बैंक वाले नीलाम करना चाहते थे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपए वसूलने के लिए सनी देओल के विला को नीलाम करने का नोटिस जारी किया था, जिसे एक दिन बाद ही तकनीकी गड़बड़ियों का हवाला देकर वापस ले लिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोमवार को अखबार में भूल सुधार छपवाकर कहा है कि सनी के जूहू बंगले को नीलाम करने के लिए जारी किया गया ई ऑक्शन का नोटिस तकनीकी कारणों से वापस ले लिया गया। इससे पहले 20 अगस्त को बैंक ने अखबार में ई ऑक्शन का नोटिस जारी करके कहा था कि 25 सितंबर को ये नीलामी की जाएगी। हालांकि बैंक की तरफ से कई सारी अहम जानकारियां भी दी गई हैं। बैंक की तरफ से बताया गया है कि सनी देओल ने अपने जूहू वाले बंगले के ऊपर लगभग 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे वो वापस नहीं कर पाए हैं, जिसके बाद बैंक ने नोटिस जारी किया था। अब उनके बंगले की नीलामी होने वाली है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही बैंक ने अपना फैसला बदल लिया है और नीलामी पर रोक लगा दी गई है। बात करें अगर सनी देओल के इस आलीशान बंगले की, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह सनी देओल का विला है। बैंक की तरफ से नोटिस में कहा गया था कि लोन अमाउंट को वसूलने के लिए उनसे इस बंगले की ई नीलामी होगी, लेकिन अब सनी देओल के लिए राहत की खबर है, उनका ये बंगला नीलाम नहीं होने वाला है। सनी देओल का यह आलीशान बंगला 600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसे सनी विला और सनी साउंड्स कहा जाता है। इसे भी नीलाम करने की तैयारी थी। सनी साउंड्स देओल की स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके लिए सनी देओल ने बैंक से कर्ज लिया था और गारंटर के तौर पर सनी देओल के पिता धर्मेंद्र को बनाया गया था। सनी देओल के इस बंगले में पार्किंग पुल से लेकर कई सारी अहम व आलीशान चीजें भी मौजूद हैं। इस बंगले में पार्किंग, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर, हेलीपैड एरिया, गार्डन मौजूद है। इसके अलावा ऐशो आराम की सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यह बंगला देखने में काफी लग्जरी लगता है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा भी हुआ है।